स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। एक्चुअली अमृता, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी। मुझे एक वेडिंग इनविटेशन आया है। तो उसमें कंफ्यूजन क्या है? वो इनविटेशन निखिल मल्होत्रा की वेडिंग का है। एक्सक्यूज मी, किसकी वेडिंग? निखिल मल्होत्रा। हाउ डेयर ही। आई एम सॉरी अमृता, मैंने यहाँ जब निखिल को देखा, आई न्यू इट कि मैंने उसे पहले कहीं तो भी देखा है। एंड फिर मुझे याद आया कि उसे तो मैं अमेरिका में तुम्हारे साथ मिली थी। You guys were seeing each other, right? इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँ। आपने मुझ पर बहुत बड़ा फेवर किया है शगुन। थैंक्स। तो तुम आ रही हो ना इंडिया दिस वीक? सबको बहुत प्यार है ना इशिमा से। It's all gonna change. Are you sure? Higher. वो actually मेरे सारे friends और relatives यहीं दिल्ली से हैं। उदयपुर जाएंगे तो सबको ऑफिस से लीव लेने का इशू हो जाएगा। I guess काफी हैसल हो जाएगा ना। सबको लाओ और फिर वापस लेके जाओ। और गॉड फॉरबिड अगर कोई रह गया तो जिंदगी भर सबके ताने सुनने पड़ेंगे। So I guess अगर यहीं दिल्ली में वेडिंग हो जाए, if you don't mind, तो it's better। अरे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो तो निखिल ना कियारा नहीं मुझे चढ़ा दिया कि वेडिंग प्लानर्स भी ना पता नहीं कैसी होती है। I swear, but अच्छा भाभी ये देखो निखिल क्या कह रहा है कि शादी दिल्ली में होगी। क्या? हाँ बात करो। अचानक क्यों कैसे? हाँ निखिल, मैं भाभी। नमस्ते भाभी। फिर बताओ मतलब फाइनली क्या करना है, दिल्ली या उदयपुर? इफ यू डोंट माइंड तो दिल्ली। फाइनल? ओके। थैंक यू भाभी। डन डन। वो बहुत नखरे कर रहे हैं। निखिल शाम को कितने बजे पहुंच रहे हो? आई एम सॉरी भाभी, ये डांस वांस मेरे बस की बात नहीं। देखो हमारा कोरियोग्राफर आ रहा है तो वो तुम्हें डांस सिखा देगा। प्लीज व्हाट? पार्डन मी। अरे निखिल, मैंने तुम्हारी बात मानी ना, अब तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं? ओके। देखो तुम शादी करने जा रहे हो तो तुम्हें अपने पार्टनर के पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ेगा। यू हैव टू कीप हर हैप्पी। आई नो भाभी। चलो ठीक है, ये लो बात करो रिंकी से। हाँ बोल। तो रिंकी मैडम कब तक आऊं मैं? क्या तुम आ रहे हो शाम को? या अच्छा सुनो, जरा डांस स्टेप्स मुझे अच्छे से सिखा देना प्लीज। उसकी कोई टेंशन मत लो, मैं एक्सपर्ट हूं ना, मैं सारे स्टेप्स याद करवा दूंगी। अच्छा ही है, शादी अगर दिल्ली में होगी तो कम से कम रमन का टेंशन कुछ कम हो जाएगा। वैसे इस ऑफिस के नए वर्कर्स को गुड मॉर्निंग नहीं बोलना था। गुड मॉर्निंग रमन, इस ऑफिस के लोग मुझे गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सो ऑन टाइम है? वैसे रमन तुम्हारा वक्त बदल गया लेकिन तुम नहीं बदला, बड़े हो गए हो यार। लर्न टू अराइव फैशनेबली लेट, टाइम पर तो मिडिल क्लास लोग आते हैं। वक्त की कदर करना अच्छा होता है सर। एनीवेज तुम्हें यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगे। योर कैबिन इज नॉट रेडी बट फाइल्स रेडी। चाहो तो वहीं से स्टार्ट कर सकते हो जहाँ से तुमने पहले किया था, उसी पुरानी सीट से। जी सर। ऑल द बेस्ट। काम डाउन रमन, इस वक्त तुझे इस नौकरी की जरूरत है। जब तक तुझे नया जॉब नहीं मिल जाता तब तक अपने गुस्से पे कंट्रोल कर और इस 6 फुट 2 इंच की बातों पे रिएक्ट मत कर। इसको वैसे बिना सर पैर की बातें करने की आदत है। बेचारा, पुरानी यादें और पुराने पाप कभी पीछा नहीं छोड़ते। भाई उसे उसकी औकात दिखाने में इतना मजा आया है ना, मैं बता नहीं सकता। बस अब कोई भी मौका छोड़ना मत तू। भाई ये रमन भल्ला है, इसका सर झुका ही रहना तो ही अच्छा। साला जब भी सर उठाता है हमें ही कटता। क्या मतलब? सारी मार्केट में फूल खत्म हो गए? देखो भाई साहब संभाल के बात करो। क्या करेगा? वो झगड़ा करे इसके साथ।
पापा जी देखो कैसे घटिया फूल लेकर आया बंदा। तो वो हम देख लेंगे, पर तुझे किसने कहा ये सब देखने के लिए? हे पापा जी, मैं तो सिर्फ रोमी, घर वाले हैं सबको संभाल लेंगे, तेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। पापा जी मैं रोमी, तूने आज तक कोई ढंग का काम किया है सिवाय कांड करने के? मैंने आज तक तेरी बहुत सी गलतियां बर्दाश्त की है, अब मैं तेरी कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, उठा के घर से बाहर फेंक दूंगा। चल जा अब अपने रूम में जाकर बैठ, चुपचाप मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये क्या फूल लेकर आया भाई? ये सड़े हुए फूल नहीं लगेंगे, अच्छे फूल है तो लगा, नहीं तो निकल जा से। पापा जी मैं बात करती हूँ इनसे, आप आराम से जाइए अंदर बैठिए। गलती हुई है मुझसे, अब क्या फांसी पे चढ़ाएंगे? मेरी बहन की भी तो शादी है यार, पराया बना के रख दिया मेरे को। कैसी लाइफ है यार। आदि क्या हुआ, कोई कोई प्रॉब्लम है? भाभी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं बहुत अड़ियल हूँ, मैं तो तुम्हें अकेला छोड़ूंगी नहीं, इट्स सिंपली इम्पॉसिबल। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। रूबी उन्होंने गुस्से में बोला है जो भी बोला है, पर देखो गलती तो तुमने की है, तो उसे सुधारना भी तुम्हें पड़ेगा। अगर तुमने दिल तोड़ा है तो दिल को जीतना भी तुम्हें होगा। रूमी भरोसा टूटा है ना, तो तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा ताकि ताकि तुम उनका भरोसा वापस जीत सको। कैसे? रूमी देखो तुम्हारी बहन की शादी है, पर संभाल सब मैं रही हूँ, मेरे लिए भी काफी हेक्टिक हो रहा है, क्लिनिक जाना होता है, बहुत काम होता है, और अगर मुझे कोई फ्री का असिस्टेंट मिल जाए तो उसमें क्या बुरा है, राइट? देखो मैंने तो एक लिस्ट भी बनाई है। मैं क्या सोच रही थी, अगर तुम ये हॉल वाला काम संभाल लो और मैं घर वाला काम संभाल लूं तो हमारा काम पूरा मैनेज हो जाएगा। और ये जो सुपर वुमन वाली एक सो कॉल्ड इमेज होती है ना हम बहुओं की, वो तुम्हारे कारण थोड़ा यू नो मेंटेन रह पाएगी। भाभी पापा जी, पापा जी का आप टेंशन मत लो, मैं दादा जी को डांस प्रैक्टिस में ऐसा बिजी रखूंगा कि पूछो ही मत। सची? अब ये सब मुझ पे छोड़ दो, भाग दे। अब तो वैसे ही पापा जी का मजा आएगा, बोलेंगे तोशी मेरी कसम तोड़ दी तुमने। चल 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 जल्दी चल चल चल। सीरियसली आज आदि ने तो बिल्कुल अपने पापा वाली हरकत कर दी है। मुरुगन थैंक यू सो मच आदि को वापस लाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हमारी कंपनी इतने सारे टेंडर्स कैसे लूज कर सकती है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थोड़ी सी वीक है। और टेंडर्स फाइल करते हुए कुछ डिटेल्स भी मिसिंग थी। यार वो सूरज मिस्टर शर्मा के यहाँ पार्टी है, जाना है, बहुत बारी बुला है। चलते हैं। बोलो। लेकिन डोंट वरी, मैं धीरे धीरे जैसे ही इसके तय तक पहुंचूंगा और डिटेल सामने आ जाएंगे। वो तो ठीक है रमन, लेकिन हमें कुछ भी करके हमारी मार्केट वैल्यू इंप्रूव करनी है, समझ में आई? जी हाँ, डोंट वरी, आई विल वर्क ऑन इट, और इस क्वार्टर के एंड तक आपको रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। एक्चुअली मेरी एक शर्त है। हेलो, शर्त? मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं आपके लिए काम करता हूँ, ये मेरे घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और आज से लेकर कुछ दिन तक मेरे घर में फंक्शन है, तो मैं जल्दी जाना चाहूँ। What? Yeah. No problem. Thank you. लेकिन काम पूरा करने के बाद। क्या किया तूने? इसने आज ही ज्वाइन किया और आज इसके नखरे शुरू हो गए। What is the concept, यार? जाने भी देना यार। सोच, आज तक हम इससे हारते हुए आए थे, अब ये हमारी तरफ से बैटिंग कर रहा है, तो नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे। तो मैं क्या करूं? इसको अपने सर पे बिठा लूं? पहले थोड़ा फायदा तो उठा ले इससे, जो करना है वो सब तो होता ही रहेगा, और रही बात उसके घर वालों को पता लगने की, तो वो तो ऑटोमेटिक लग जाएगा, उसके लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, राइट? राइट। Which reminds me, I should call home. हाँ राजू,
मैडम को बोलो कि खाना तैयार रखें, मैं और कुछ खास मेहमान घर पर आ रहे हैं, मीटिंग करूं। हाँ भाभी, हाँ हाँ, बर्फ वाले को मैंने पैसे दे दिए तो बात हो गई है। अरे हाँ हाँ, केटर वाले से भी बात हो गई है, उसने बोला जल्दी आ जाएगा, सारा काम हो जाएगा भाभी, बस अब ये है कि अरे डीजे की टेंशन मत लो भाभी, हो जाएगा। हाँ 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 भाभी, ओके बाय। और मैं गेटा बेटा में रेडी हूँ, 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, और तू कॉन्फिडेंस में रहना, पहुंचते ही रोल कर दियो। देखा कि नहीं, बर्बाद किया तूने मुझे, बर्बाद। एक दिन की मोहलत है तो दे दूंगा भाई, दुनिया को बेवकूफ बना सकता है मुझे नहीं, समझा? मेरा आधार कार्ड और मेरा पैन कार्ड ले लो, आधार कार्ड रख लो, कल नहीं दूंगा, पुलिस में चले जाना। सोते? कल नहीं दूंगा, पुलिस के पास चले जाना, कर लो फोन। हाँ ले लो फोन ले लो। कल सुबह तक अगर पैसे नहीं ना मिले, कल सुबह 9 बजे तक अगर पैसे नहीं ना मिले तो ये सिर्फ एक ट्रेलर था, वरना पूरी फिल्म दिखाऊंगा। हट, सिर्फ आधे पौने घंटे का काम है, उसके बाद तुम निकल जाना। क्या है कि आदमी घर में थोड़ा रिलैक्स होके काम कर लेता है, ऑफिस में बहुत मोनोटोनस हो जाता है। नहीं, डोंट वरी, मीका घर पे नहीं है। Come on, that's it. ये तीजू अशोक की कंपनी में? Why? अशोक, अरे मीका, मुझे लगा तुम शॉपिंग करने गए। एनीवेज कम, देखो कौन आया। I'm sorry रमन, लेकिन मैं अपनी स्वीट हार्ट से नहीं छुपा सकता। After all, तुम हमारी कंपनी का एक हिस्सा हो, राइट? और मीका, तुम अपने घर वालों को मत बताना कि मैंने इसे नौकरी दी है। इट्स अ फेवर, यू नो। मीका, तुम्हारे जीजाजी आए, कुछ खातिरदारी नहीं करोगी इनकी? माना हमारे एम्प्लॉय हैं, लेकिन ऑफिस में। नो थैंक्स, आई एम फाइन।
Can I get back to work now, please? Yeah. शुरू कीजिए। अच्छा ठीक है, चल ठीक है, चल मेरी किनू में क्या किया, मैं सारे अनु में ओए मेरी कुड़ी है, बोला जी मेरी बात सुनो। रमन को फोन करूं कि नहीं करूं? डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं होगा, पहला दिन है उनका। अरे लेती हूं, पता तो चलेगा कि स्टेटस क्या है। तुम लोग पहुंच गए? पहुंच गए। आप कहां हो रमन? बस अभी काम खत्म ही हो रहा है, 5 मिनट में निकलूंगा। प्लीज जल्दी आओ ना, पता है सब लोग यहाँ पे आप ही के लिए पूछ रहे हैं। सब कोई आ गए, सिर्फ लड़की का भाई नहीं है। अरे तो क्या हुआ, लड़की की भाभी तो है वहाँ। लड़की की भाभी अकेले खड़ी हुई अच्छी नहीं लगती है ना, भाई साथ में अच्छे लगेंगे। अब जल्दी आओ ना रमन, मम्मी जी पापा जी 1000 बार पूछ चुके हैं आपके बारे में। एग्जैक्टली, उन्हें कदर है मेरी, और देख तुम मुझे मिस ही नहीं करती। ऐसी स्पेस देने वाली वाइफ आपको कहाँ मिलेगी? स्पेस चाहिए होता तो मैडम मैं नासा ज्वाइन नहीं कर लेता। मैं तो खाली कह रहा हूँ कि क्या है, कहीं भी शुरू हो जाते हो। नहीं, नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ कि लोधी गार्डन जाना है कि नहीं। आप पहले बैंक्वेट हॉल आ जाओ, लोधी गार्डन बाद में चलेंगे। ठीक है। अच्छा सुनो, मेरे कपड़े जूते आ गए। हाँ, कपड़े जूते सब है, बस आप यहाँ डायरेक्ट और यहीं पे आके चेंज करो। ठीक है ठीक है, चलो आ रहा हूँ मैं। बाय। ओके ऑल डन। रमन, हम लोगों ने जो नए कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट रेडी किया है उसके MOU में लीगल क्लॉजेस और इम्प्लिकेशंस डाल देना, ओके? लेकिन अब ये तो लीगल डिपार्टमेंट का काम है ना? मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा आदमी छुट्टी पे है, सो तुम देख लो। वैसे अगर ये जल्दी रेडी हो जाएगा तो हम रात को भेज देंगे, 10-15 मिनट का काम है, कर लो और निकल जाओ। ठीक है। भाभी, रमन भैया नहीं आए? एक्चुअली ऑफिस से निकलने में उन्हें थोड़ा लेट हो गया, आ रहे होंगे, रास्ते में है। ओके, बाय द वे बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच भाभी, यू टू। थैंक यू। अच्छा वैसे खुद जाओगे या मैं लेके जाऊं? सॉरी, ओके जाओ जाओ। Hey, can you girls please excuse us? Thank you. Hi. Looking gorgeous, huh? इतनी देर लगा दी ना? यार मैं तो बहुत देर से रेडी था, बट यू नो ना ये घर की लेडीज फंक्शन से ज्यादा पार्लर में टाइम लगाती। मेरे घर पे भी यही हाल था, मम्मा took more time than me. वैसे तुम्हें पार्लर की जरूरत है नहीं। Thanks. How's everything? Nikhil. Answer me. ये है मिहिर। Hi. Nikhil, many many congratulations. Thank you. तुम्हारे बारे में बहुत सुना मैंने रिंकी से। आह. मिहिर, अब आ रहे हो तुम? भाई मैं तो कब से यहाँ पर हूँ, तुझे फुर्सत मिले तब ना। वेरी स्मार्ट, मुझ पर ब्लेम डाल रहे हो। देख यार मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन आज के बाद तुझे अपना दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। यू नो दिस गर्ल ना, शी जस्ट डजंट थिंक एट ऑल। प्लीज, मेरे पास कई ज्यादा दिमाग, एटलीस्ट तुमसे ज्यादा। तो सोच के बता। देखा, आई टोल्ड यू ना। चल ठीक है, माफ किया तुझे आज के दिन। एक तो गलती तुम्हारी और माफ मुझे क्यों, एटीट्यूड है। अरे मेरी गलती कैसे? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, भाई तुम लोग अपनी कन्वर्सेशन में इस बेचारे को क्यों बोर कर रहे हो? इन लोगों को कैसे चलते रहते हैं, डोंट माइंड। सबसे जरूरी रमन भाई कहाँ, देखे नहीं? पता नहीं, हम सब भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं। भाभी से पूछता हूँ, बट नाइस टू मीट यू, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू भाभी। सॉरी एक्सक्यूज मी, भाभी रमन भाई कहाँ? मैंने 15 मिनट पहले उनसे बात की थी, वो रास्ते में ही होंगे, आने वाले होंगे बस। शुड बी हियर बाय नाउ। आई नो, काम ना, फील बी हियर। मैं जाके बाकी काम देखता हूँ। ऑलराइट। कहाँ रह गए रमन, इट्स सो लेट।
आई अंडरस्टैंड जॉब की जरूरत है, लेकिन ऐसा क्या जॉब जो फैमिली से दूर कर दे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।